मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए नेमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, रूपचंद्र से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 128 है, जो कि गोरखपुर यूपी से हैं। और रूपचंद ने क्लासरूम में आके स्टडी की थी। तो रूपचंद, सबसे पहले तो आपको 128 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो रूपचंद, आपका जो सक्सेस स्टोरी है, जो सक्सेस जर्नी है, कब आपने सोचा कि आपको नेमसेट करना है, फिर आपने किस ढंग से एक्शन लिया, और पूरा भोपाल का वन ईयर का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, इंटायर मैं चाहूंगा आप बच्चों को बताएं, जिससे वो अपने आप को रिलेट कर पाए। तो मेरा और एनआईटी का मतलब पता होने का जर्नी स्टार्ट हुआ था मार्च में, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ आ नहीं पाया। फिर मेरा एक्चुअल जर्नी जो स्टार्ट हुई वो सितंबर मंथ 2021 में चालू हुई, जिसमें मैं अपने दोस्तों से 15 दिन बाद यहाँ पे आया। फिर उसी टाइम से मतलब एक कहे तो मैथ को छोड़े हुए, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी निमसेट की, और वहाँ से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। और सर के मतलब यहाँ आया, कोचिंग किया, सर के गाइडेंस में मतलब आगे बढ़ा। और एक उस साल मैंने पेपर भी दिया और पेपर में मेरी रैंक आई थी 660। तो बाकी ऐसा था मुझे कि एनआईटी छोड़कर बाकी सारे कॉलेज मिल रहे थे, एससीयू, एचबीटीयू। तो मैंने कहा कि अब, फिर मैंने सर से बात की तो सर ने कहा कि एक बार काउंसलिंग करके देख लो, आपका बहुत नज़दीक रैंक है। तो मैंने काउंसलिंग की, लेकिन फिर भी मुझे फोर्थ राउंड तक कुछ अलॉट नहीं हुआ। फिर मैंने सर से बात की कि सर मुझे कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो सर ने कहा कि एक बार आप एससीयू एचबीटीयू में भी देख सकते हो। तो मैंने कहा सर नहीं, मेरा अगर करना है तो मैं सिर्फ एनआईटी से करूंगा। मेरा पहले से ही क्लियर था कि या तो एनआईटी या तो फिर छोड़ देना है, मेरा एकदम फिक्स था कि मतलब एनआईटी ही तो एनआईटी। फिर फैमिली से बात चलती रही तो फैमिली ने कहा थोड़ा बिजनेस के साइड, तो मैंने कहा अगर आधे रास्ते पे आने के बाद मैं वापस होता हूँ तो फिर भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा बिजनेस में भी हैंडल ओवर करने में। तो इसलिए मैंने निमसेट को अपने मतलब प्रोसीड किया। इसके लिए मैं अपनी सिस्टर को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस पे जाकर। और बाकी धीरे धीरे जर्नी, फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से उस साल बहुत जल्दी नहीं आ सका। फिर मैंने 2022 से 2022 और 23 के सेशन में मैं दिसंबर मंथ में यहाँ आया और अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी दिसंबर। फिर धीरे धीरे मतलब सर के मॉक हुए, टेस्ट हुए, तो ऐसा था कि मतलब सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर रखी थी, क्योंकि मैंने अच्छा खासा यहाँ प्रिपरेशन किया था। क्योंकि और बाकी थोड़ी बोड़ी मेरी गलतियाँ थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि बहुत ज़्यादा पेपर बिगड़ जाता। मैंने मेरे दोस्त समझाते भी थे, लेकिन मैंने किसी और का इंटरव्यू देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें 21 में कंप्यूटर रीजनिंग थोड़ा हार्ड लेवल का आने का 120 के बीच में ही हो जाता था। तो मैंने वही अप्रॉक्सीमेट रखा कि रीजनिंग में 20-22 क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन उस साल की रीजनिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा ईजी आने की वजह से मतलब रीजनिंग की वजह से तो मेरा ऐसा नहीं हो पाया। मुझे थोड़ा रीजनिंग में कम नंबर आ गया तो मैं बाहर हो गया। तो फिर मैं इस साल सारी प्रिपरेशन अच्छे से सर का गाइडेंस के थ्रू, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मतलब सर गाइडेंस करते रहते, ऐसा कुछ नहीं फील होने दिया कि जो वहाँ हमें एग्जाम में नया हो जाए। मतलब सारी कंडीशन, सारे अप्रॉक्सीमेशन करके कि अगर कुछ गलत होता है, कुछ कैंसिल हो जाए या कोई टीचर आपको बोल दे, सारी चीज़ें मतलब सर हमको गाइडेंस करते रह गए। और बाकी सारी चीज़ें ऐसा था कि पेपर देना, मॉक कैसे एनालाइज करना, सब चीज़ें मतलब हम लोग को सर गाइडेंस करते गए, हम लोग फॉलो करते गए। फिर मैंने जिस दिन आया उस दिन मैंने पेपर दिया और एक अच्छी रैंक के साथ आज आप लोग से फिर बातें कर रहा हूँ। और बाकी तो आगे है एनआईटी मिलना, फिर उसके बाद आगे फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी फिर या तो एनआईटी यहाँ से जाना स्टार्ट, जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। तो रूपचंद, मैंने अभी आपकी एक बात सुनी, खास बात कि आपकी लास्ट ईयर कोई ऐसी रैंक नहीं थी, आपकी 607 रैंक थी। हो सकता था स्पॉट राउंड में आपको कुछ मिलता या आपको एचयू, पर आपने कंप्रोमाइज नहीं किया। और कई लोग जो कंप्रोमाइज नहीं करते उनके लिए आप जैसे बच्चे एक आइडियल होते हैं, और आपने बहुत अच्छे से मेहनत की। और देखो 128 रैंक आई, बिल्कुल सही आपने बोली बात कि बीच में कोई और लाइन पकड़ते तो शायद नहीं होता, पर आपके सिस्टर ने गाइड किया। तो जब आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह देते थे तो आपके स्कोर्स अप डाउन भी होते थे, तो उसको कैसे हैंडल करते थे, और पेपर एनालिसिस में आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा? तो जैसे अगर बहुत ज्यादा स्कोर बहुत अप हो जाने पे कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत मोरली हो गए कि मतलब बहुत खुश हो गए, तो वो ऐसा करते हैं कि टेस्ट बंद कर दिए, सब 50-50 बन गए हैं, तो फिर क्या मैथ में एनालिसिस करना। लेकिन फिर भी एक बार आप उस क्वेश्चन को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे हैं कि शायद वहाँ आपको याद रहा हो और आप मार दिए हो, बाद में आप लगाते हैं तो आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं। और बाकी अगर आपका पेपर डाउन भी होता है तो आप थोड़ा सा फील होता है नर्वस कि हाँ सब दोस्तों का आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा, मैं बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन यह है कि वो चीज़ें, वो पेपर बहुत आपको सिखा रहा होगा कि क्या कौन से ऐसे वीक सेक्शन है जो आपको छूट रहे हैं, एक अच्छे से बढ़िया, एक
बुरा जाना आपका बहुत बेटर है, क्योंकि बुरा जाने बिना आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और पेपर खराब होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए जब मेरा पेपर बुरा जाता था तो मैं ये देखता था कि ऐसा क्या सेक्शन है, मतलब वो सर पढ़ाए हुए हैं या आउट ऑफ सिलेबस है, या अभी ऐसा हुआ कि आगे का क्वेश्चन आ गया मैं नहीं पढ़ा हूँ, अगर नहीं पढ़ा हूँ तो उसकी बात छोड़ देता, क्योंकि वो जब पढ़ लूंगा तो जाहिर सी बात तब मैं बना लूंगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं उन चीजों को एनालाइज करता था कि अगर मैं ये चीजें क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, क्या मेरी वीकनेस है कैलकुलेशन वगैरह, तो मैं उन चीजों पे ध्यान देता था। उसके बाद मैं सीट में भी ध्यान देता था कि ये क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व होंगे, उस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज्यादा कोशिश करता था। तो रूपचंद, जैसा अभी आपने बताया कई सारी चीजें, अब ये बताओ मुझे कि आपने, क्योंकि एक स्ट्रांग डिसीजन लिया, अच्छी रैंक के बाद भी कंप्रोमाइज नहीं किया, तो आपका जूनियर्स को क्या मैसेज होगा, और स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं और ड्रॉप लेने से घबरा रहे हैं, उनको आपका क्या स्ट्रांग मैसेज होगा? अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो पहले तो आपके फैमिली, अगर फैमिली आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, फिर आप एक चीज थोड़ी देर के लिए बैठिए, हफ्ते 2 हफ्ते सोचिए कि आखिर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो किस चीज के लिए ले रहा हूँ। अगर वो आपको ड्रॉप उससे आपके आगे जर्नी जाने से बेटर है तो आप ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि ड्रॉप आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाएगा, कि एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने इतना मेहनत किया तो मैं निकाल ले जाऊंगा, मैं आप फंसने वाला नहीं। अगर आप निकाल ले जाते हैं तो आप एक बहुत ऐसे जोन में जाएंगे जहां से आप बहुत लो लेवल से, क्योंकि ये सबको पता है कि एनआईटी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है हम लोग को, तो जो नॉर्मल आजकल एमसीए के कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए हमें इस चीज को ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा या हम कुछ ऐसा खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप निकालोगे और फोड़ के अच्छा आज हम खड़े हैं तो कल आप भी यहाँ आके खड़े होंगे। बिल्कुल सही बात बोली रूपचंद। चलो, अब आपने बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, अब आप एनआईटी इलाहाबाद, क्योंकि आपका ड्रीम था इलाहाबाद जाना, और इलाहाबाद आपको मिलेगा भी, तो आप इलाहाबाद जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करना है, वहां पर जाके भी बेस्ट पॉइंटर लेना है, बेस्ट प्लेसमेंट लेना है, और उन सभी जूनियर्स को या जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनको मोटिवेट करना है और गाइड करना है। वंस अगेन नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब मैं अपने सिस्टर को बस एक बार और फिर थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। शायद ये जनवरी, एक कहते हैं कि जनवरी में मेरा भाग मतलब ज्यादा सपोर्ट रहा, लेकिन मेरे से ज्यादा अगर मैं मानता हूं तो उनका सपोर्ट रहा, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करके इस काबिल कभी महसूस नहीं होने दिया कि कोई चीज कमी रह गई या कुछ चीजें ऐसा रह गया कि जिसकी वजह से तुम पीछे रह जाओ। तो मैं इनको एक बार बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, अपने सिस्टर को। बिल्कुल और आप हमेशा याद रखना, जब उनको अब जरूरत होगी आपकी, तो आप उनके लिए हमेशा तैयार रहें। सर, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।